हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक चैप्टर से, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ देखिए, टेन इनवर्स में आया है 2/11, ऐसे कभी साइन इनवर्स में कॉस इनवर्स में आ जाएगा तो हमें उनको टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन हमें सीखना जो बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कन्वर्जन को। मान लिया हमने साइन इनवर्स एक्स को हमें कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में, ठीक है। साइन इनवर्स में कोई वैल्यू दे रखी है, मान लिया हमने यहाँ पे कि साइन इनवर्स 11/12 है। अब उस वैल्यू को हमें कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स दोनों में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज पहले हमें सीखनी पड़ेगी कन्वर्जन होगा कैसे, उसके बाद बाकी चीजें सीखते हैं। तो देखते हैं, लेट कर लिया हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स थीटा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक्स को बचा लिया, साइन उन्होंने भेज दिया राइट हैंड साइड पे, तो ये हो गया एक्स इक्वल साइन थीटा। अब देखिए, साइन थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक राइट ट्रायंगल बनाया हम लोगों ने ए बी सी, यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा एंगल। अब देखिए, उसने कहा है इसके अपॉन में वन लेट कर लिया, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। से परपेंडिकुलर हो गया एक्स अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया यहाँ पे वन। तो अगर हमें कॉस और टेन की वैल्यू भी पता करनी है तो उसके लिए हमें इसके थर्ड साइड, इसको बेस बोलते हैं, उसको निकालना पड़ेगा। चलिए उसको निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मतलब वन के स्क्वायर, ए बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वन के स्क्वायर वन, एक्स स्क्वायर में भेजेंगे एल एच एस में हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये इसकी वैल्यू आ गई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब बात है कॉस में, कि कॉस की वैल्यू निकालनी थी। कॉस थीटा इक्वल्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस देखिए दे रखा है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस हो गया वन। अपॉन में वन कंसिडर करने कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस चला जाएगा अदर साइड में, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, थीटा की वैल्यू ये भी है, थीटा की वैल्यू ये भी है, मतलब है साइन इनवर्स एक्स है इक्वल है कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के, हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के। इसके बाद देखिए, टेन थीटा कॉस होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए थीटा के परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स अपॉन बेस हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, थीटा की वैल्यू ये भी है और थीटा की वैल्यू ये भी है, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये यही देखिए चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे 11/12 दिया हुआ है तो कॉस की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ 11/12 रख देंगे, नहीं आता कि ये कह दिया जाए कि भाई ये चीज प्रूव करके दिखाओ, बहुत कम चांस होता है 2-5% केवल की ये चीज प्रूव करने के लिए बोल दे, है ना। नहीं, ज्यादातर इनका कन्वर्जन आता है एक दूसरे में चेंज करने को, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया इनका, आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीन शॉट ले लिया करिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाते रहिए, बिना नोट्स के मैथमेटिक्स प्रिपेयर नहीं होगी, एग्जाम टाइम पर रिवीजन में काफी दिक्कत आएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। अभी देखिए, हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स को चेंज किया है, अब यही काम हम लोग कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स के लिए करेंगे, मगर शॉर्ट में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स को। देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स, हमें इसको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में और फिर टेन इनवर्स में। इसको हम लोग करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे इसको। हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को लेट कर लेंगे थीटा, तो एक्स इक्वल्स हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एक ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया, ये ए बी सी, बी एंगल इसका 90 डिग्री है, ये एंगल हो गया थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे हो गया 1 अपॉन में बेस हो जाएगा ये
हाइपोटेनस हो जाएगा ओपन। इसके बाद जब आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस में ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जब करेंगे तो इसकी थर्ड साइड निकल के आ जाएगी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? बिल्कुल शॉर्ट में आ जाएगा, आपको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद सोचिए साइन में जो भी चीज होती है उसको लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है भाई, तो अगर देखें थ्योरी के लिए परपेंडिकुलर होता है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा वन। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन में वन तो सभी नंबर से कंसिडर किया जा सकता है, इसलिए इसके अपॉन में कुछ भी नहीं होगा, ये एक वैल्यू मिल जाएगी। जब टेन में ही आएंगे तो टेन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस हो जाएगा एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, ये चीज हमें यहीं से क्लियर हो जाने वाली है बिल्कुल। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग टेन को कन्वर्ट करना सीखेंगे साइन और कॉस में। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स कॉस इनवर्स और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स। जिन स्टूडेंट्स को ये बी अपॉन एच वाली बात समझ में नहीं आती उनके लिए शॉर्ट में लिखे हुए हैं, देखिए पी बी पी अपॉन एच एच बी, यहां से स्टार्ट होता है ये साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉस सेक। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब यहीं से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहां से हमने लिखा है इसको टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स थीटा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स पी अपॉन बी होता है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक हमने राइट ट्रायंगल बनाया, ये हो गया ए बी सी, ये एंगल हो गया थीटा, थीटा हो गया। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और बेस हो जाएगा ये। ठीक है, और जब इसे पाइथागोरस लगाएंगे तो जो हाइपोटेनस है आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो जानते होंगे ये निकल आएगा रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट में हो जाएगा। अब हमें अगर ये बात निकालनी है कॉस के लिए तो कॉस में क्या होता है भाई, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए थीटा के लिए बेस है वन अपॉन हाइपोटेनस है यहाँ पे रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही बात अगर हम लोग साइन के लिए करें तो साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए साइन में ये हो गया परपेंडिकुलर एक्स अपॉन हाइपोटेनस हो गया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो देखिए कितनी आसानी से इन तीनों को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल है, खासकर क्वेश्चंस लगाने में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो अभी फॉर्मूले थे जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं क्लास टेंथ के, अगर सभी को हम इन्हीं वीडियोस में डिस्कस करेंगे तो शायद चार पांच वीडियो बेसिक में ही चली जाएंगी। इसलिए करेक्शन का नाम बताते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करिए, वहां पे देखिए गाइड प्लेलिस्ट बनी होगी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटीज, ऐसा टाइटल देके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाएंगे आप तो आपको फाइव वीडियोस का कलेक्शन मिलेगा जहां पर इसके आप बाकी बेसिक्स को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग वहां से चीज को समझ लीजिएगा। और वैसे जिन लोगों को प्लेलिस्ट में चीज नहीं मिल पाएगी उनके लिए हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां ब्लू कलर की एक लाइन होगी उसको आप टच करेंगे, सीधे आप लोग उसी उन्हीं वीडियो से पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आरएचएस लेते हैं, आरएचएस दे रखा है हमारे पास साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूला की वीडियोस देखी होंगी या फर्स्ट ईयर में आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करी होंगी तो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि ये साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला बनता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, मतलब हमें एक्स की जगह केवल साइन थीटा रखने की जरूरत है। तो लेट कर लेंगे हम लोग, लेट एक्स इक्वल्स हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है भाई, रखते हैं वैल्यूज, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स थ्री, एक्स की जगह रख दी हम लोगों ने साइन थीटा माइनस फोर, एक्स की जगह यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और क्यूब लगा था एक्स में तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, यहाँ से मिल जाएगा हमें साइन इनवर्स। अब यहाँ देखिए थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा आइडेंटिटी होती है साइन थ्री थीटा की। ठीक है भाई, अब देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, कब कैंसिल होता है ये हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन में सीखा था कि जब जो वैल्यू है थीटा की या जो एक्स दे रखा है
x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए या इन दोनों तक होनी चाहिए, x की वैल्यू माइनस वन बाई टू से वन बाई टू तक होनी चाहिए, है ना। और वो है देखिए कि x इक्वल साइन थीटा लिया तो x की जो वैल्यू उससे उनके बीच में आएगी ही, वहां पे एग्जिस्ट करेगी, इसलिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा थ्री थीटा। अब देखिए ये चीज हमने लेट करी थी ना, जो चीज हमने लेट करी थी उसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो साइन चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ थ्री रह गया, थीटा की जगह रखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स, यही हो गया इसका एलएचएस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन आप ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू है थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। अब यहाँ पे भी वही चीज है, अगर x की जगह cos रखेंगे तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा जो फॉर्मूला होता है ये होता है cos 3 थीटा का, तो यहाँ पे उसी को वर्क में लेना आया मैं। तो देखिए RHS लिया, RHS हमारे पास गिवन है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x हो जाएगा, यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या x इक्वल्स cos थीटा। अब यहाँ पे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ कब क्या लट करना है, अगर आप ये चीज नहीं समझ पाते तो प्रूविंग नहीं हो पाएगी आपके फिर, ये बात समझ में आ रही है। इसलिए जो मैंने वीडियोस बताया उनको अच्छे से देख लें, एक किसी भी सोर्स से जाके एक फर्स्ट ईयर की बुक उठा के इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लें। इन वीडियोज में जाने से फायदा यह है कि आपको लर्न करने में ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, वहां थोड़ी ट्रिक का इस्तेमाल किया गया इनको समझाने में। चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्यों हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x की जगह रख देंगे cos थीटा, तो हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस 3, x की जगह पे हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है आइडेंटिटी cos 3 थीटा की, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके लिए भी रिलेशन से बताया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, यहाँ बच जाएगा 3 थीटा, 3 देखिए थीटा की वैल्यू रखनी है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos LHS पता चला जाएगा तो बन जाएगा cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी cos इनवर्स x, तो यहाँ पर रख देंगे तो वो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, ये निकल आया LHS, प्रूफ हो गया, ये भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन, मैंने पहले बताया, लेकिन बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में इनको कर नहीं पाओगे, इसलिए जरूरी है कि इनकी प्रैक्टिस जरूर की जाए। आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है स्टूडेंट्स tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 24 इक्वल्स tan इनवर्स 1 अपॉन 2। इसमें भी LHS को कॉपी करते हैं, LHS इक्वल्स दे रखा है tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 24। आइडेंटिटी यहां पर करेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी, ठीक है। और ये होती क्या है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होती है आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, और ये बात मैंने अपने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है कि आता कैसे है। चलिए आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे x प्लस y, तो x की वैल्यू है यहाँ पे 2 अपॉन 11 प्लस y की वैल्यू है 7 अपॉन 24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा 2 अपॉन 11 इंटू 7 अपॉन 24। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आप चाहें तो यहां से इससे इसको कैंसिल कर दें, अगर कैंसिल करने से कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी तो यहां पे कैंसिल नहीं हो रहा, यहां पूरे गल से लेना ही पड़ेगा, तो आसान आपके लिए यही रहेगा कि आप लोग यहां पे उसको कैंसिल ना करें, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 24, ये हो जाएगा एलसीएम किसका 11 और 24 का। देखिए 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 24 टाइम्स है, 24 का 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 48 प्लस 24 से 11 इंटू 24 का डिवाइड कर देंगे तो 24 कैंसिल हो जाएगा 11 बच जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे तो हो जाएगा 77 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 7 टू जा 14, ये हो जाएगा अपॉन में 11 4 जा 44 कैरी ऑन 4 11 टू जा 22 और 4 26 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 7 8 15 7 4 11 1 12 अपॉन यहाँ पे भी आ जाएगा 264 अपॉन में देखिए
264 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, 264 माइनस 14 अपॉन में हो जाएगा 264। बाकी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इसको, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, देखिए 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 125 अपॉन 4 से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 6 से 1 गया 5 और यहाँ पे बच जाएगा 2, कैंसिल करेंगे तो इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्व हो के आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2 और यही हमें लाना था, ये हो गया आरएचएस। तो देखिए स्टूडेंट्स कुछ भी खास नहीं है, केवल हमें एलएचएस कॉपी करना है, आइडेंटिटी लगा देनी है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, केवल कैलकुलेट कर लेना है आंसर आ जाएगा, है ना, प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं आने वाली किसी भी हाल में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट्स, टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब हमें इसको प्रूव करना है क्या, टेन इनवर्स 31/17। ओके स्टूडेंट्स इसका फिर एलएचएस लेते हैं, एलएचएस इक्वल्स यहां पे है टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ओके स्टूडेंट्स अब यहां देखिए, यहां पे अगर आप चाहें कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाए तो अभी नहीं लग सकता किसी भी हाल में, क्योंकि देखिए यहां टेन इनवर्स के पहले 2 लगा हुआ है, है ना, तो जब यहां 2 लगा हुआ है तो किसी भी हाल में वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले जो 2 टेन इनवर्स एक्स है इसको मैं बदलना पड़ेगा टेन इनवर्स एक्स में, इसकी आइडेंटिटी देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होती है, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या होती है 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसी आइडेंटिटी का पहले यूज करेंगे, ये हो जाएगा देखिए टेन इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 1/2 का स्क्वायर, टेन इनवर्स 1/7, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/1 माइनस, यहाँ देखिए 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स 1/7, इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, अब यहाँ समझिए देखिए 4 1 4 4 7 3 3/4 आएगा तो 4 चला जाएगा ऊपर तो बन जाएगा 4/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स 1/7। अब वो आइडेंटिटी लग जाएगी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 4/3 इंटू 1/7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 3 और 7 का 21, 3 से 21 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स डिवाइड होगा, 7 को मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा 7 4 28 प्लस 7 से 21 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 को मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1 माइनस 4 1 4 3 7 21। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स 28 और 3 हो जाएगा 31 अपॉन 21 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 21 से 4 जाएगा तो बचेगा 17 अपॉन 21 हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर जाएगा टेन इनवर्स 31/17 जो कि है आरएचएस। ओके स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ बच्चे गलती यही करेंगे कि इस 2 को ध्यान नहीं देंगे, बाहर चलाते रहेंगे, इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगा देंगे और वहीं से उनका क्वेश्चन टोटली गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए पहले 2 टेन इनवर्स एक्स को इस आइडेंटिटी की हेल्प से टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, जब कन्वर्ट हो जाए उसके बाद ही दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करें, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, हो जाएगा टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता कि एक्स की जगह हम लोग 0 नहीं ले सकते बस, और उसने कहा यहाँ पे राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म,
सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो आप कुछ आइडेंटिटीज आपको याद दिला देना चाहेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे देख लीजिए, जैसे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, या फिर अगर कॉस स्क्वायर थीटा के लिए निकालेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसके बाद समझिए, अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये होता है इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, या फिर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए जब हमें माइनस दिया होगा तो कॉस या साइन लेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉस और साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब ये प्लस दिया होगा इस जगह पे तो प्लस के लिए हम लोग टेन या कॉट को लेट करेंगे, जो सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। देखिए एक्स स्क्वायर पहले प्लस लिखा हुआ है, मतलब समथिंग के पहले प्लस है तो टेन या कॉट उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर आप कॉट रखेंगे, कॉट रखने से यहाँ पे आंसर नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है वो हम आपको दिखा देते हैं जल्दी से। तो आप देखिए अगर यहाँ पे कॉट थीटा लेट कर रहे हैं तो सॉल्विंग हो गया है क्या, टेन इनवर्स रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा। इसके बाद देखिए होगा क्या, टेन इनवर्स वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा कॉसेक थीटा, बाहर माइनस वन था। कॉट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके आगे समझिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉसेक थीटा को लिखा जा सकता है वन अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा कर देंगे कैंसिल। तो अब देखिए वन से साइन थीटा या साइन थीटा से वन कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अगर हम चाहें साइन थीटा के से वन को कैंसिल कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, और वर्किंग लगातार बढ़ती चली जाएगी जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। लेकिन इसी जगह अगर हम लोग टेन रखते हैं तो टेन के लिए बहुत जल्दी से कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं कैसे। इसीलिए हमने आप करके दिखा दिया है ताकि आप गलती ना करें एग्जाम में, प्रैक्टिस करते रहें मैथ्स की। प्लस की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दोनों रखे जा सकते हैं, तो कभी ये रखा जा सकता है कभी ये, मगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉर्ड से हमें हो गई प्रॉब्लम, अब रखते हैं टेन, टेन से सीधे आंसर आएगा। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, लेट कर लिया हम लोगों ने एक्स इक्वल्स टेन थीटा, ठीक है। वैल्यू रखते हैं टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स की जगह पे हो जाएगा टेन थीटा अपॉन एक्स की जगह रख दिया टेन थीटा और माइनस वन रह गया था। देखिए भाई तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा इक्वल्स, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद देखते हैं ये हो जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा को लिखा जा सकता है वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स देखेंगे ये हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा चला जाएगा इसके पास, तो अपॉन में हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा होल अपॉन ये दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स। अब देखिए कॉस से वन कैंसिल हो जाएगा, हमें कॉस टू थीटा का वो फॉर्मूला रखना है जिससे कि वन कैंसिल हो जाए, तो ये होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा टू थीटा नहीं है, अपॉन में साइन थीटा को लिखा जा सकता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, इस पर रेज कर देते हैं। इसको यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां देखिए वन से वन कैंसिल हो जाएगा
टू से टू कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर साइन थीटा बाय टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या टेन इनवर्स, यहाँ साइन थीटा बाय टू ऊपर बच गया, कॉस थीटा बाय टू नीचे बच गया है, लिख देंगे इसको साइन थीटा बाय टू अपॉन में कॉस थीटा बाय टू, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू, हो गया इतना भाई। ठीक है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा केवल थीटा बाय टू, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल देंगे हम लोग, तो थीटा इक्वल्स हो जाएगा टेन को भेजेंगे एलएचएस में तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, या इसी को लिखा जा सकता है वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स, और यही हो गया इसका आंसर, ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस फिर से कह रहे हैं लास्ट में कि हार्ड नहीं है, कि ये केवल प्रैक्टिस मांगते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा। अब जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे टेन भी रख सकते हैं, कॉट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने एग्जाम में कहीं धोखे से कॉट को रख दिया तो फिर कैलकुलेशन लास्ट तक बढ़ती जाएगी और लास्ट में आपको पता चलेगा यार इसको आ ही नहीं रहा, दिक्कत हो जाएगी, तब आपको करना क्या पड़ेगा टेन फिर से रखना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा। ऐसे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप लोग बार बार वो चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ तो टेन थीटा रखना है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताते रहिए, जिससे कि वीडियो क्वालिटी और इम्प्रूव होती रहे, आप लोगों के लिए और बेहतरीन चीज़ें हम लोग लाते रहें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।